हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHUVT में, और ये जो एरिया ट्रैफिक और आप लोगों से खचाखच लोगों से भरा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये है लग्गा चौराहा। और यहाँ से सामने आपको BHU का गेट दिख रहा है, आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं, आपको मोबाइल की, मेडिकल शॉप की, रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा, साइबर कैफ़े, बुक्स सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ से निकल गए तो महाभारत की लड़ाई पार कर गए। और ये है मेन गेट BHU का, चलते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर जाएंगे तो आपको BHU मिलेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है BHU कैंपस के अंदर का। यहाँ भी देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो कि अपने अपने रोज़गार के लिए यहाँ पे हैं। बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं डिफरेंट पर्पज़ से, कोई यहाँ हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के काम से आता है, कोई घूमने आता है, कोई अपने लेक्चर्स लेने आता है। सो फिलहाल हम घूमने आए हैं तो हम घूमेंगे। और ये सामने जो आप कैंपस देख रहे हैं ये महिला विश्वविद्यालय का कैंपस है, और ये पूरा कैंपस उसी का है, महिला विश्वविद्यालय का। और ये सामने आप देख रहे हैं माँ सरस्वती जी की स्टैचू, और यहाँ पे BHU। शाम के टाइम यहाँ लाइटनिंग काफ़ी अच्छी होती है। श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर या बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। ये बनारस के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि देश का सबसे ऊंचा मंदिर बनारस में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। ये जो विश्वनाथ मंदिर है ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। इसके निर्माण में तकरीबन 35 साल लगे थे और एक सिद्ध योगी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 252 फीट है, और जो कुतुब मीनार है, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, वो 239 फीट है। और इसका ब्लूप्रिंट जो है वो भरत कला भवन में रखा हुआ है। ये परिसर, ये जो मंदिर है, ये देश का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर को पूर्व उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। मदन मोहन मालवीय जी ये चाहते थे कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही एक भव्य मंदिर हो जहाँ पे बच्चे जो छात्र हैं वो पूजा पाठ कर सकें, तो इसलिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। लेकिन उनका निधन हो गया बीच में और मंदिर का जो भी निर्माण है वो अधूरा रह गया। लेकिन मंदिर निर्माण से और उनके निधन से पूर्व पहले ही बिरला जी ने ये कह दिया था कि उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि वो मंदिर को पूरा तरह से बनवाएंगे, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, और उन्होंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट भी किया। और आज फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर BHU परिसर में जो है, इसे लोग BHUVT के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। और यहाँ पे
बच्चे छात्र लोग अपना पढ़ाई करते हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए महाकाल के दर्शन के लिए, और सामने गार्डन है क्योंकि BHU में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है, सो लोग अपना टाइम स्पेंड भी करने आते हैं। सो यहाँ पे पिकनिक भी बनती है, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, और यहाँ पे बहुत सारे जो मैंने देखा है स्टूडेंट लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी और छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं बाहर, क्योंकि परिसर काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे भी इस मंदिर के भी तमाम अपने उपलब्धियाँ हैं। सो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर का परिसर कैसा है। आप देखिए कितना अच्छा परिसर बना हुआ है, पूरी तरह से ये टाइल्स और मार्बल से बिल्ट है, काफ़ी देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल कोविड है इसलिए अंदर जाने को परमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए दूर से ही महाकाल के दर्शन करिए। ये महादेव जी हैं, यहाँ पर दर्शन हो रहा है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा है। ये भी एक भगवान है आप देख सकते हैं, और ये हनुमान जी हैं जिनको अभी माला पहनाया जा रहा है, इनकी थोड़ी साफ सफाई भी हो रही है। और इसके बाद श्री गणेश अंबिका पार्वती जी की यहाँ पे मूर्ति है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान हैं आप देख सकते हैं, यहाँ माँ सरस्वती जी भी हैं, और ये रहा पूरा कैंपस का नज़ारा। इस नज़ारा आप देखो शाम के टाइम, रात के टाइम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब यहाँ पे बहुत सारी लाइटें जल जाती हैं। यहाँ पे लोग अपना अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, पिकनिक बन रहा है, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दिन भर से थक गए हैं तो यहाँ पे आके बातचीत कर रहे हैं। और ये पूरा ऊपर का इलाका देखो कितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है। अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे और भी खूबसूरत लगेगा, दिन में अलग खूबसूरत और रात में अलग खूबसूरत। इसी के साथ ही हमारी बनारस की सफ़र ख़त्म होती है। अब क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था इसलिए ज़्यादा घूम नहीं पाए, और अगली बार आएंगे तो और घूमेंगे। और ये ट्रैफिक देखो आप कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पे बाइक चलाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप जहाँ तक सोच नहीं सकते उससे एक स्टेप ऊपर ट्रैफिक होती है यहाँ पे। सो चलते हैं अब घर, और मिलते हैं आपको फिर कभी बनारस सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।